हेलो गाइस, मैं कार्तिक परमार। आज मैं बताऊंगा 2 BHK फ्लैट में मॉड्यूलर काम करवाने में कितनी कॉस्टिंग आती है। अब देख सकते हो, इसके अंदर एक किचन बनी हुई है। 2 BHK फ्लैट है, सेक्टर 36 AVL के अंदर। इसके अंदर ये किचन बनी हुई है, आप देख सकते हो इस टाइप में किचन बनी हुई है। विरगो की इस पर लेमिनेट लगी हुई है 1 mm की, जो कि वाइट कलर की है। इस टाइप में ये किचन है। ये इसका मास्टर बेडरूम है, जिसके अंदर हमने एक अलमीरा और एक बेड और एक LED पैनल बनाया हुआ है। इस टाइप में ये LED पैनल है, आप इस टाइप में देख सकते हो इसको। इसकी फुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ये अलमीरा बनाई गई है। टोटल कॉस्टिंग भी बताऊंगा मैं कि इसके अंदर बेड में कितनी कॉस्टिंग आई हुई है, अलमीरा में और LED पैनल में कितनी कॉस्टिंग आई हुई है। हर चीज़ की डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं फिर अब किचन की तरफ, देखते हैं। किचन बनाई गई है नॉर्मल, इसके अंदर गोल्डन कलर की प्रोफाइल लगाई गई है, जिसके अंदर ये एक बास्केट लगाई हुई है। यह आटे वाली ट्रॉली है, आप इसको देख सकते हो। ये आटे वाली ट्रॉली लगाई गई है। इसमें हैटिक के चैनल यूज़ करे गए हैं, आप देख सकते हो। प्लस की इसमें इसके अंदर बास्केट यूज़ करी गई है। ये प्लेन बास्केट है 4 इंची की, और ये भी प्लेन बास्केट है 4 इंची की। 3 बास्केट एक लाइन में लगाई हुई है, आप इस टाइप से देख सकते हो। ये कॉर्नर बनाया गया है जो सिलेंडर के लिए है, जिसके अंदर काफ़ी जगह होती है। ये हैटिक कंपनी की ही इनोटेक लगाई गई है, इस टाइप में इनोटेक है। इसके ऊपर हमने एक ट्रे रखी हुई है जो कटलरी का काम करती है, देख सकते हो आप, इनोटेक है ये। ये 6 इंची की एक इनोटेक है, और ये 8 इंची की एक इनोटेक इसमें हमने लगाई हुई है, देख सकते हो आप। इस टाइप में 3 इनोटेक इस किचन के अंदर हमने लगाई हुई है। इसके अंदर हमने प्रोफाइल हैंडल है, जो कि गोल्डन कलर के लगाए हैं नीचे नीचे। ऊपर हमने किचन हैंडल लेस बनाई हुई है, आप इस टाइप में भी देख सकते हो। ये ओपन बॉक्स है, एक बड़ा सामान रखने के लिए, कोई भी आटे के टंके वगैरह। ये सिंक के नीचे का एरिया, जिसके नीचे हमने एक RO फिट करा हुआ है। ऊपर RO लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये देख सकते हो आप। ये टैप है, या RO का टैप है। ये इसमें ऊपर के बॉक्सेस बनाए गए हैं, आप इस टाइप में देख सकते हो। ये ओपन बॉक्स है, ये बीच वाला ओपन बॉक्स, जो कि हमने चिमनी के लिए बनाया हुआ, जो काट के उस साइड से पाइप निकल जाता है। साइड में 2 बक्से हैं नॉर्मली। ऊपर की तरफ भी हमने स्टोरेज के लिए बॉक्स बनाए हुए हैं, जिसमें हमें किचन की बड़ी स्टोरेज मिल जाती है, आप देख सकते हो। इस टाइप में हमारे बॉक्सेस बने हुए हैं, जो कि इसके अंदर हमने हैटिक के ही कब्जे यूज़ करे हुए हैं। सारा काम हाइड्रोलिक कब्जे, हाइड्रोलिक हिंजेस, टोटली हाइड्रोलिक 1 mm की लेमिनेट इसके अंदर यूज़ हुई हुई है। इसकी में कॉस्टिंग की भी बात करेंगे, कितनी इसमें खर्चा आ जाता है, देख सकते हो आप। ये भी स्टोरेज के लिए, स्टोरेज पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है ओनली, और कोई पर्पज़ नहीं है इसका। किचन छत तक जो बन जाती है, मतलब रूफ तक टच हो जाती है ऊपर से, ये अच्छी भी लगती है थोड़ी देखने में, और उस हिसाब से इसमें स्टोरेज भी बन जाता है। तो आप देख सकते हो इस टाइप में किचन है। अब चलते हैं नीचे की तरफ, इसमें भी हमने ओपन स्लैब बनाई गई है, और इसके अंदर हमने एक डिश रैक लगाया हुआ है, जिसको हम GTBT बोल देते हैं। डिश रैक है जो कि 28 इंची का है। नीचे हमारा सिंक है। चलते हैं हम कमरे की तरफ, जिसमें एक LED पैनल बनाया हुआ है। एक नॉर्मल सा रूम के अंदर LED पैनल बना दिया। इसके अंदर 2 दराज हैं, और ये स्लाइडिंग वाली अलमीरा बनाई गई, जिसके अंदर प्रोफाइल हैंडल है, अब देख सकते हो। ये सॉफ्ट क्लोज स्लाइडिंग हैंडल लगाया हुआ है इसके अंदर, और ये एक दराज बनाई हुई है लंबी लंबी सी। साइड में हमने इसको डिज़ाइन के लिए कॉर्नर दे रखे हैं। इसमें नीचे भी स्लाइडिंग लगा रखी है हमने, ऊपर भी स्लाइडिंग लगा रखी है, आप देख सकते हो। इस साइड भी एक दराज दे रखी है बड़ी सारी, नॉर्मल अलमीरा बनाई गई है। खुशी फर्नीचर की तरफ से ये काम करा गया है, इसमें मार्बल फिनिश की माइका लगाई के टोटली काम करा गया है, आप देख सकते हो। इस रूम में भी आप देख सकते हो, इसमें भी हमने एक LED पैनल और एक बेड और एक अलमीरा, उसी टाइप की सेम स्लाइडिंग अलमीरा तैयार करी हुई है, आप देख सकते हो। इस टाइप में ये अलमीरा है, जो कि स्लाइडिंग है, और वो भी सॉफ्ट क्लोज, ये देख सकते हो आप। इसमें एक दराज है नॉर्मल, उस साइड भी एक नॉर्मल दराज है। अलमारी के दोनों का अलमारी डिज़ाइन सेम है बिल्कुल। और ये 2 BHK फ्लैट है, रूम काफ़ी बड़ा है ये। इसमें भी देख सकते हो आप, 2 BHK फ्लैट। ये भी एक दराज बनाई गई है, जिसमें ऊपर 39 इंची का हमने कपड़े टांगने के लिए हैंगर वाला बक्सा बनाया हुआ है। ऊपर स्लाइडिंग है, फिर भी नीचे की तरफ से सिमेट्री बना के स्लाइडिंग ही बना रखा है। नीचे दराज बनाए गए हैं, देख सकते हो आप।
जो कि जूतों के लिए है। कोई भी एरिया हमने मतलब अलमारी के अंदर ही ख़राब नहीं करा है कि इसका टिक लगा के बंद कर दिया और इसमें नीचे दराज बना दिए। बेड देख सकते हो, बेड के अंदर भी एक दराज लगा रखी है जो कि काफ़ी बड़ी दराज है। इस टाइप में दराज बना रखी है और ये बेड टोटल बनाया हुआ है हमने। ये खुलने वाला बेड है जिसके पीछे गद्दी लगी हुई है। लमसम 25,000 रुपये इस बेड का खर्चा आ चुका है। अब ये दूसरे वाला बेड है, आप इस बेड को भी देख सकते हो। इस बेड में हमने हाइड्रोलिक सॉकर लगा रखे हैं जो कि हल्का सा हाथ उठाने पे अपने आप खुल जाता है। ये देख लो, इस टाइप में ये खुल जाते हैं। इस बेड में लमसम 30,000 रुपये का इस बेड में खर्चा आ चुका है। अब बात करते हैं टोटल कॉस्टिंग की। इस पूरे फ्लैट के अंदर टोटल कॉस्टिंग आई है, जो किचन के अंदर हमारी कॉस्टिंग आई है वो आई है 1,10,000 रुपये, और दोनों अलमीरा के अंदर जो हमारी कॉस्टिंग आई है, एक अलमीरा जो ये इस मास्टर बेडरूम में बनी है उसमें 55,000 रुपये, दूसरी जो हमने अलमारी बनाई है उसके अंदर कॉस्टिंग आई है 60।